बंधुओं भगवा प्रणाम वंदे मातरम। मेरा स्वर्णिम भारत, मेरा अमर भारत, मेरा आजाद भारत, इसके राष्ट्रीय जीवन का मूल स्रोत क्या है आपको पता है? मैं बताता हूं, इसका राष्ट्रीय मूल स्रोत हिंदू सनातन धर्म है। मित्रों, हमें ऐसे देश के संतान होने पर गर्व होना चाहिए जो अनेक शताब्दियों तक विदेशी आक्रमणों के जेल चुकने के बावजूद चट्टानों से अधिक दृढ़ता से अपने अक्षय पौरुष एवं अमर जीवनी शक्ति के साथ खड़ा है। दोस्तों, ये हिंदू सनातन ही है जिसने योग पूरे विश्व को दिया, जिसके लिए मैं बाबा रामदेव और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, मेरा मानना है अगर आज हमारे ऋषि मुनि स्वर्ग लोक से पुनः वापस इस पृथ्वी लोक पे आते हैं तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वह किसी नए देश में आ गए। आज भी वही प्राचीन विधान मौजूद है, आज भी वही सनातन आचार विचार विद्यमान है, आज भी वही आदिवासी सरना समाज, प्रकृति से जुड़ा समाज विद्यमान है। आज भी हम अनेक आघातों के परिणाम से भी दृढ़ और अस्थाई होते जा रहे हैं। मित्रों, ऋषि मुनियों की तपस्या व वैज्ञानिक स्रोतों को आज भी पूरे विश्व के सभी जातियों ने स्वीकार किया और उनकी वैज्ञानिक स्रोतों को आगे भी बढ़ाया है। जीवन के आगे भी कुछ और है जिसकी व्याख्या सनातन ने पहले ही कर दिया था, जिसे आज पूरे विश्व के वैज्ञानिक परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण द लार्ज हैड्रन कोलाइडर है, जिसका रिसर्च सेंटर ऑस्ट्रिया में है, जहां नटराज की मूर्ति भी स्थापित है। मित्रों, आज हमारे युग में सनातन स्वभाव सिद्ध दिशाओं में अग्रसर हो रहा है, जिसे कई सेकुलर शासकों व कम्युनिस्ट कुंठित विचारधाराओं ने रोके रखा था, वह आज खत्म होने की दिशा में अग्रसर है। यह श्री नरेंद्र मोदी का काल है जिससे हिंदू सनातन अग्रसर हो रहे हैं। मेरे स्वर्णिम भारत, अमर भारत के सपनों को आगे बढ़ाकर विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद।